छोटी है, मिसाल देता हूँ, कुरान शुरू होते थे एक सवाल है उनका, अलिफ लाम मीम, उसके बाद की आयत क्या है सूरह बकरा की, ज़ालिकल किताबु, नहीं ज़ालिकल किताबु ला रहे हैं, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में नाज़िल हुई या नहीं हुई, ऐसा बुक की शक्ल नहीं ली, नहीं मिली ना, उन्हें बोला देखो ये चाहे गलत है, इसमें ज़ालिकल किताब लिखा हुआ है, किताब की शक्ल में दिए फिर किताब नहीं बोलो, कितने बार पढ़ लिए होंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, आप लोगों कभी सोचे भी ये सवाल बन सकता, पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या है, इकरा, मोहम्मद सल्लम को पढ़ने लिखने आता था नहीं आता था, आपके अल्लाह को नहीं मालूम था फिर इकरा कहीं बोले, उनके सवाल है आपके अल्लाह को जब मालूम है मोहम्मद सल्लम को पढ़ने लिखने नहीं आता तो इकरा पढ़ो बोल के क्यों बोले, लगा आपका दिमाग अब काम पे, जब आप आगे आंसर ढूंढते हुदल्लिल्मुत्तकीन, आप अब पहली मरतबा कुरान जवाब देने को खोले, ये कुरान सिर्फ उसका जवाब नहीं देता, उसके बाद आपकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब देना शुरू करता, उसके बाद ये हूं मैं आज मेरे से हिदायत ले, एक बार आप दावत का काम शुरू करो और देखो जिंदगी अल्लाह ताला फिर कैसे बदल देते, अल्लाह ताला जो काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए और इस उम्मत को दिए उस पर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो शेर बोलते हुए और एक आयत पाक जिससे मैं शुरुआत किया उससे अपने बयान को खत्म कर दूंगा, अल्लामा इकबाल एक प्यारा शेर बोले कि मेरी जिंदगी का मकसद, मुसलमानों को बोले मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, सरफराजी सारी दुनिया में तेरे दीन का बोलबाला हो, अल्लाह हर कोई आपके दीन को सबसे आला मान ले, इस्लाम हर जगह फैल जाए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं जो नमाज पढ़ रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं अल्लाह मेरा मकसद क्या है, आपकी ये कुरान सारी दुनिया वालों तक पहुंच जाए, सारी दुनिया में इसका हुक्म चले, और अल्लाह सुभान व तआला सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 से बयान शुरू किया, उसमें फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिलआलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।